आज से तकरीबन डेढ़ बरस पहले जब मैं बंबई में था हैदराबाद से एक साहब का डाक कार्ड मौसू हुआ मज़मून कुछ इस किस्म का था यह क्या बात है कि इसमत चुगताई ने आपसी शादी न की मंटो और इसमत अगर ये दो हस्तियां मिल जाती तो कितना अच्छा होता मगर अफसोस कि इसमत ने शाहिद से शादी कर ली और मनटो उन्हीं दोनों हैदराबाद में तरक्की पसंद मुसनफों की कॉन्फ्रेंस हुई मैं उसमें शरीक नहीं था लेकिन हैदराबाद के एक पर्चे में उसकी रुदाद देखी जिसमें यह लिखा था कि वहाँ बहुत सी लड़कियों ने इस मत को घेर कर ये सवाल किया आपने मंटो से शादी क्यों ना की मुझे मालूम नहीं कि यह बात दुरुस्त है या गलत लेकिन जब इसमत मत चुपताई बंबई वापस आई तो उसने मेरी बीवी से कहा कि हैदराबाद में जब एक लड़की ने उससे सवाल किया क्या मंटो कुंवारा है तो उसने ज़रा तंज के साथ जवाब दिया जी नहीं इस पर वो मोहतरमा इसमत के बयान के मुताबिक कुछ खिसियानी सी होकर खामोश हो गई वाकयात कुछ भी हों लेकिन ये बात ग़ैर मामूली तौर पर दिलचस्प है कि सारे हिंदुस्तान में एक सिर्फ हैदराबाद ही ऐसी जगह है जहां मर्द और, और औरतें मेरी और इसमत की शादी के मुतालिक फ़िक्रमंद रहे हैं उस वक्त तो मैंने गौर नहीं किया था लेकिन अब सोचता हूं अगर मैं और इसमत वाकई मियाँ बीवी बन जाते तो क्या होता ये अगर भी कुछ इसी किस्म की अगर है अगर कहा जाए कि अगर कुलुपत्रा की नाक एक इंच का अठारवा हिस्सा बड़ी होती तो उसका असर वादी नील की तारीख पर क्या पड़ता यहाँ इसमत कुलुपत्रा है और ना मंटो एंतनी लेकिन इतना ज़रूर है कि अगर मंटो और इसमत की शादी हो जाती तो इस हादसे का असर अहद हाजिर के अफसानवी अदब की तारीख पर एटमी हैसियत रखता अफसाने अफसाने बन जाते कहानियां मुड़ तोड़कर पहेलियां हो जाती इंशा की छातियों में सारा दूध खुश्क होकर या तो एक सफूफ की शक्ल इख्तियार कर लेता या भस्म होकर राख बन जाता और ये भी मुमकिन है कि निकाह नामे पर उसके दस्तखत उनके कलम की आखिरी तहरीर होती लेकिन सीने पर हाथ रखकर यह भी कौन कह सकता है कि निकाहनामा होता ज्यादा करीन कयास तो यही मालूम होता है कि निकाहनामे पर दोनों अफसाने लिखते और काजी साहब की पेशानी पर दस्तखत कर देते ताकि सनत रहे निकाह के दौरान में कुछ ऐसी बातें भी हो सकती थी इस काजी साहब की पेशानी ऐसा लगता है तख्ती है क्या कहा तुम्हारे कानों को क्या हो गया है मेरे कानों को तो कुछ नहीं हुआ तुम्हारी अपनी आवाज हलक से बाहर नहीं निकलती हद हो गई है लो आप सुनो मैं कह रहा था काजी साहब की पेशानी बिल्कुल तख्ती से मिलती जुलती है तख्ती तो बिल्कुल सपाट होती है यह पेशानी सपाट नहीं तुम सपाट का मतलब भी समझते हो जी नहीं सपाट माथा तुम्हारा है काजी जी का माथा तो हाँ बड़ा खूबसूरत है खूबसूरत तो है तुम महज चुढ़ा रही हो मुझे चुढ़ा तुम रहे हो मुझे मैं कहता हूं तुम चढ़ा रही हो मुझे मैं कहती हूं तुम चढ़ा रहे हो मुझे तुम्हें मानना पड़ेगा कि तुम चढ़ा रही हो मुझे अजी वाह तुम तो अभी से शौर बन बैठे काजी साहब मैं इस औरत से शादी नहीं करूंगा अगर आपकी बेटी का माथा भी आप ही के माथे की तरह है तो मेरा निकाह उससे पढ़वा दीजिए काजी साहब मैं इस मर्दुए से शादी नहीं करूंगी अगर आपकी चार बीवियां नहीं है तो मुझसे शादी कर लीजिए मुझे आपका माथा बहुत पसंद है कृष्णचंद्र चोटें के दिबाचे में लिखता है सम्मत को छुपाने में पढ़ने वाले को इस्तराब में गुम कर देने में और फिर यकायक आखिर में इस इसतराब हैरत को मसरत में मुबदल कर देने की सिफत में इसमत और मंटो एक दूसरे के बहुत करीब हैं और इस फन में उर्दू के बहुत कम अफसाना नगार उनके हरीफ अगर हम दोनों को शादी का ख्याल आता तो दूसरों को हैरत व इसतराब में गुम करने के बजाय हम खुद उसमें गर्क हो जाते और जब एकदम चौंकते तो ये हैरत और इसतराब जहाँ तक मैं समझता हूँ मसरत के बजाय एक बहुत बड़े फकाहिए में तब्दील हो जाता किस्मत और मंटो निकाह और शादी कितनी मुजहका खेस चीज़ है इसमत लिखती है एक जरासी मोहब्बत की दुनिया में कितने शौकत कितने महमूद अब्बास अस्करी यूनुस और न जाने कौन कौन ताश की गड्डी की तरह फेंट कर बिखेर दिए गए हैं कोई बताओ उनमें से चोर पत्ता कौन सा है शौकत की भूखी भूखी कहानियों से लबरेज आंखें महमूद के सांपों की तरह रेंगते हुए आजा अस्करी के बेरहम हाथ यूनुस के निचले होंठ का स्याह तिल अब्बास की खोई हुई मुस्कुराहटें और हजारों चौड़े चकले सीने कुशादा पेशानियां घने घने बाल सुडोल सु मजबूत बाजू सब एक साथ मिलकर पक्के सूत के डोरों की तरह उलझकर रह गए हैं परेशान हो होकर उस ढेर को देखती हूं मगर समझ में नहीं आता कि कौन सा सिरा पकड़कर खींचूं के खींचता ही चलाए और मैं उसके सहारे दूर उफुक से भी ऊपर एक पतंग की तरह तन जाऊं छोटी आपा मंटू लिखता है मैं सिर्फ इतना समझा हूँ कि औरत से इश्क करना और ज़मीनें खरीदना तुम्हारे लिए एक ही बात है सो तुम मोहब्बत करने के बजाय एक दो बीघे ज़मीन खरीद लो और उस पर सारी उम्र काबिज़ रहो जिंदगी में सिर्फ एक औरत और ये दुनिया इस कदर भरी हुई क्यों है क्यों इसमें इतने तमाशे जमा हैं सिर्फ गंदम पैदा करके ही अल्लाह मियाँ ने अपना हाथ क्यों ना रोक लिया मेरी सुनो और इस जिंदगी को जो कि तुम्हें दी गई है अच्छी तरह इस्तेमाल करो तुम ऐसे ग्राहक हो जो औरत हासिल करने के लिए सारी उम्र सरमाया जमा करते रहोगे मगर उसे नाकाफी समझोगे मैं ऐसा खरीदार हूं जो जिंदगी में कई औरतों से सौदे करेगा तुम ऐसा इश्क करना चाहते हो कि उसकी नाकामी पर कोई अदना दर्जे का मुसनफ एक किताब लिखे जिसे नारायण दत्त सहगल पीले कागजों पर छापे और डब्बी बाजार में उसे रद्दी के भाव बेचे मैं अपनी किताब हयात के तमाम औराक दीमक बनकर चाट जाना चाहता हूं ताकि उसका कोई निशान बाकी ना रहे तुम तो मोहब्बत में जिंदगी चाहते हो मैं जिंदगी में मोहब्बत चाहता हूं किस्मत को अगर उलझे हुए सूत के ढेर में से ऐसा सिरा मिल जाता खींचने पर जो खींचता ही चला आता और वो उसके सहारे दूर उफ़क से भी ऊपर एक पतंग की तरह तन जाती और मंटो अगर अपनी किताब हयात के आधे और भी दीमक बनकर चाटने में कामयाब हो जाता तो आज अदब की लौह पर उनके फन के नकोश इतने गहरे कभी ना होते वो दूर उफुक से भी ऊपर हवा में तनी रहती और मंटो के पेट में उसकी किताब हयात के बाकी और आंक भुस भर भर के उसके हमदर्द उसे शीशे की अलमारी में बंद करते थे चोटें के दीबाचे में कृष्णचंद्र लिखता है इसमत का नाम आते ही मर्द अफसाना निगारों को दौरे पड़ने लगते हैं शर्मिंदा हो रहे हैं आप ही आप खफीफ हुए जा रहे हैं ये दिबाचे भी उसी खफत को मिटाने का एक नतीजा है इसमत के मुतालिक जो कुछ मैं लिख रहा हूँ किसी भी किस्म की खिफत मिटाने का नतीजा नहीं एक कर्ज था जो सूद की बहुत ही हल्की शराह के साथ अदा कर रहा हूँ सबसे पहले मैंने इसमत का कौन सा अफसाना पढ़ा था मुझे बिल्कुल याद नहीं ये स्तूर लिखने से पहले मैंने हाफसे को बहुत खुर्चा लेकिन उसने मेरी रहबरी नहीं की ऐसा महसूस होता है कि मैं इस मत के अफसाने कागज़ पर मुंतकिल होने से पहले ही पढ़ चुका था यही वजह है कि मुझ पर कोई दौरा नहीं पड़ा लेकिन जब मैंने उसको पहली बार देखा तो मुझे सख्त नाउमीदी हुई एडेल्फी चैम्बर्स क्लियर रोड बम्बई के सत्रह नंबर फ्लैट में जहाँ मुश्विर हफ्ते बार का दफ्तर था शाहिद लतीफ़ अपनी बीवी के साथ दाखिल हुआ ये अगस्त 1942 की बात है तमाम कांग्रेसी लीडर महात्मा गांधी समेत गिरफ्तार हो चुके थे और शहर में काफ़ी गड़बड़ थी फजा सियासत में बसी हुई थी इसलिए कुछ देर गुफ्तु का मौजू तहरी आज़ादी रहा उसके बाद रुख और अफसानों की बातें शुरू हुईं एक महीना पहले जबकि मैं ऑल इंडिया रेडियो में दिल्ली में मुलाजिम था अदब लतीफ़ में इसमत का लिहाफ़ शाये हुआ था उसे पढ़कर मुझे याद है मैंने कृष्ण चंद्र से कहा था अफसाना बहुत अच्छा है लेकिन आखिरी जुमला बहुत ही गैर सनाना है अहमद नदीम की जगह अगर मैं एडिटर होता तो उसे यकीन हजफ कर देता चुनानचे जब अफसानों पर बातें शुरू हुई तो मैंने इसमत से कहा आपका अफसाना लिहाफ़ मुझे बहुत पसंद आया बयान में अल्फाज को बखदरे किफ़ायत इस्तेमाल करना आपकी नुमाया खूसियत रही है लेकिन मुझे ताजुब है कि इस अफसाने के आखिर में आपने बेकार सा जुमला लिख दिया कि एक इंच उठे हुए लिहाफ में मैंने क्या देखा कोई मुझे लाख रुपए भी दे तो मैं कभी नहीं बताऊँगी इसमत ने कहा क्या है इस जुमले में जवाब में कुछ कहने ही वाला था कि मुझे इसमत के चेहरे पर वही सिमटा हुआ हिजाब नजर आया जो आम घरेलू लड़कियों के चेहरे पर ना गुफ्तनी शे का नाम सुनकर नमोदार हुआ करता है मुझे सख्त नाउमीद ही हुई इसलिए कि मैं लिहाफ के तमाम जुजियात के मुतालिक उससे बातें करना चाहता था जब इसमत चली गई तो मैंने दिल में कहा यह तो कम वक्त बिल्कुल औरत निकली मुझे याद है इस मुलाकात के दूसरे ही रोज़ मैंने अपनी बीवी को दहली ख़त लिखा इसमत से मिला तुम्हें यह सुनकर हैरत होगी कि वह बिल्कुल ऐसी ही औरत है जैसी तुम हो मेरा मजा तो बिल्कुल किरकरा हो गया लेकिन तुम उसे यकीन पसंद करोगी। मैंने जब उससे एक इंच उठे हुए लिहाफ का जिक्र किया तो नालायक उसका तस्वर करते ही झेप गई एक अरसे के बाद मैंने अपने इस रद्द अमल पर संजीदगी से गौर किया और मुझे इस अमर का शदीद एहसास हुआ कि अपने फ़न की बकाा के लिए इंसान को अपनी फितरत की हदूद में रहना अजबस लाजिम है डॉक्टर रशीद जहाँ का फ़न आज कहाँ है कुछ तो गेसुओं के साथ कटकर कर अलहदा हो गया और कुछ पतलून की जीबों में ठुस कर रह गया फ़्रांस में जॉर्जसा ने निसवानियत का हसन मलबूस उतार कर तसन्न की ज़िंदगी इख्तियार की पुलिसानी मौसीकार शोपा से लहू थुकवा थुकवा कर उसने लालो गोहर जरूर पैदा कराए लेकिन उसका अपना जौहर उसके बतन में दम घुट के मर गया मैंने सोचा औरत जंग के मैदानों में मर्दों के दोष बदोश लड़े पहाड़ काटे अफसाना निगारी करते करते इसमत चुकताई बन जाए लेकिन उसके हाथों में कभी ना कभी मेहंदी रचनी ही चाहिए उसकी बाहों से चूड़ी की खनक आनी ही चाहिए मुझे अफसोस है जो मैंने उस वक्त अपने दिल में कहा यह तो कम वक्त बिल्कुल औरत निकली इसमत अगर बिल्कुल औरत ना होती तो उसके मजमुओं में भूल भुलैया, दिल लिहाफ और गेंदा जैसे नाजुक और मुलायम अफसाने कभी नजर ना आते यह अफसाने औरत के मुख्तल अदाएं हैं साफ शफाफ हर किस्म के तसन्नों से पाक ये अदाएँ वो इशवे वो गमजे नहीं जिनकी तीर बनाकर मर्दों के दिल और कलेजे छलनी किए जाते हैं जिसम की भूटी हरकतों से इन अदाओं को कोई ताल्लुक नहीं इन रूहानी इशारों की मंजिल मकसूद इंसान का ज़मीर है जिसके साथ वो औरत ही की अनजाने, अनबूझी मगर मखमली फितरत लिए बगैर बगैलगीर हो जाते हैं उनकी रंगत बदली बेचारा बच्चा मर गया उसका बाप शायद खाक तुम्हारे मुंह में खुदा ना करे मैंने नन्हे को कलेजे से लगा लिया ठाए नन्ने ने मौका पाकर बंदूक चलाई पाजी हाँ भाजी बगो मारता है मैंने बंदूक छीन ली भूल भलैया और लोग कहते हैं इसमत नाशुदनी है चुड़ैल है गधे कहीं की इन चार सत्रों में इसमत ने औरत की रूह निचोड़ कर रख है और ये लोग उसे इखलाक की इम्तिहानी नलियों में बैठे हेला हेला कर देख रहे हैं। कर देना चाहिए ऐसी छपा मेरी बहन ने पढ़ा और मुझसे कहा ये इसमत कितनी बेहूदा है अपने मुहे भाई को भी नहीं छोड़ा कम बाक ने कैसी कैसी फजूल बातें लिखी है इकबाल अगर मेरी मौत पर तुम ऐसा ही मजमून लिखने का वादा करो तो खुदा की कसम में आज ही मरने के लिए तैयार हूं शाहजहां ने अपनी महबूबा की याद कायम रखने के लिए ताजमहल बनवाया इसमत ने अपने महबूब भाई की याद में दो जख़खी लिखा शाहजहां ने दूसरों से पत्थर उठवाए उन्हें त्रशवाया और अपनी महबूबा की लाश पर अजीम असीमशान इमारत तमीर कराई इसमत ने खुद अपने हाथों से अपने ख़ुराना जज्बात में चुन चुनकर एक ऊंचा मचान तैयार किया और उस पर नर्म-नर्म हाथों से अपने भाई की नाश रख दी ताज शाहजहां की मोहब्बत का बरहना मरमरी इश्तिहार मालूम होता है लेकिन दोजखी इस मत की मोहब्बत का नहायत ही लतीफ और हसीन इशारा है वो जन्नत जो इस मजमून में आबाद है उन्मान इसका इशारा नहीं देता मेरी बीवी ने यह मजमून पढ़ा तो इस मत से कहा यह तुमने क्या खुराफा लिखी है बकू नहीं बर्फ कहा है इसमत को बर्फ खाने का बहुत शौक है बिल्कुल बच्चों की तरह डली हाथ में लिए दांतों से कटाकट काटती रहती है उसने अपने बाज अफसाने भी बर्फ खाकर लिखे हैं चार पाई पर कोहनियों को बल ओंधी लेटी है सामने तकी पर कापी खुली हुई है एक हाथ में फाउंटेन पेन है और दूसरे हाथ में बर्फ की डली रेडियो ऊंचे सुरों में चिल्ला रहा है मगर उसका कलम और मुंह दोनों खटाखट चल रहे हैं इस बात पर लिखने के दौरे पड़ते हैं ना लिखे तो महीनों गुजर जाते हैं पर जब दौरा पड़े तो सैकड़ों सफ़े उसके कलम के नीचे से निकल जाते हैं खाने पीने नहाने धोने का कोई होश नहीं रहता बस हर वक्त चारपाई पर कोहनियों के बल ओंधी लेटी अपने टेढ़े मेढ़े एराब और इमला से बेन्याज खत में कागज़ों पर अपने ख्याल मुंतकिल करती रहती है टेढ़ी लकीर जैसा तूल तवील नावल मेरा ख्याल है इसमत ने सात आठ नशिस्तों में खत्म किया था कृष्ण चंद्र इसमत के बयान की रफ्तार के मुताबिक लिखता है अफसानों के मुताबिक से एक और बात जो जहन में आती है वह है घुड़ दौड़ यानी रफ्तार हरकत सुबुक खरामी मेरा ख्याल है कि इससे कृष्णचंद्र की मुराद बर्क रफ्तार थी खैर और तेज गामी न सिर्फ अफसाना दौड़ता हुआ मालूम होता है बल्कि फ़िक्र गनाए और इशारे और आवाज़ें और किरदार और जज्बात और एहसास एक तूफान किसी बला खेजी के साथ चलते और आगे बढ़ते नजर आते हैं इस का कलम और उसकी जुबान दोनों बहुत तेज हैं लिखना शुरू करेगी तो कई मरतबा उसका दिमाग आगे निकल जाएगा और अल्फाज बहुत पीछे हाँपते रह जाएंगे बातें करेगी तो लफ्स एक दूसरे पर चढ़ते जाएंगे शीखी बघारने की खातिर अगर कभी बावरची खाने में चली जाए तो मामला बिल्कुल चौपट हो जाएगा तबीयत में चूंकि बहुत ही उजलत है इसलिए आटे का पेड़ा बनाते ही सिकी सिकाई रोटी की शक्ल देखना शुरू कर देती है आलू अभी छीले नहीं गए लेकिन उसका सालन उसके दिमाग में पहले से ही तैयार हो जाता है और मेरा ख़्याल है बाज़ बाज़त वो बावरची खाने में कदम रख कर ख़याल ख्याल में शिकम सैर होकर लौट आती होगी लेकिन इस हद से बढ़ी हुई उजलत के मुकाबले में उसको मैंने बड़े ठंडे इतमान और सुकून के साथ अपने बच्चे के फ्रॉक सीते देखा है उसके कलम लिखते वक्त इमला की गलतियां कर जाता है लेकिन नन्ही के फ्रॉक सीते वक्त उसकी सुई से हल्की सी लफ्जिश भी नहीं होती नपे तुले टांके होते हैं और मजाल है जो कहीं झोल हो उफरे बच्चे में इसमत लिखती है घर क्या है मोहल्ले का मोहल्ला है मर्ज फैले बाबा आए दुनिया के बच्चे पटापट मरे मगर क्या मजाल जो यहाँ एक भी टस से मस हो जाए हर साल माशा घर हस्पता बन जाता है सुनते हैं दुनिया में बच्चे भी मरा करते हैं मरते होंगे क्या खबर और पिछले दिनों बंबई में जब उसकी बच्ची सीमा को काली खांसी हुई तो वो रातें जागती थी हर वक्त खोई खोई रहती थी ममता मां बनने के साथ ही कोक से बाहर निकलती है इसमत परले दर्जे की हर धर्म है तबीयत में जिद है बिल्कुल बच्चों की सी ज़िंदगी के किस नज़रिए को फ़ितरत के किसी कानून को पहले ही सबके में कभी कबूल नहीं करेगी पहले शादी से इनकार करती रही जब आमादा हुई तो बीवी बनने से इनकार कर दिया बीवी बनने पर जो तो रजामंद हुई तो माँ बनने से मुनकर हो गई तकलीफ़ें उठाएगी सऊबतें बर्दाश्त करेगी मगर ज़िद से कभी बास नहीं आएगी मैं समझता हूँ कि यह भी उसका एक तरीक़ा है जिसके ज़रिए से वो ज़िंदगी के हक़ से दो चार होकर बिल्कुल टकरा कर उनको समझने की कोशिश करती है और उसकी हर बात निराली है इस मत के जनाना और मर्दाना किरदारों में भी यह अजीबो गरीब जिद या इनकार आम पाया जाता है मोहब्बत में बुरी तरह मुब्तला है लेकिन नफरत का इजहार किए चले जा रहे हैं जी गाल चूमने को चाहता है लेकिन उसमें सुई खबो देंगे हौले से थपकाना होगा तो ऐसी धौल जमाएंगे कि दूसरा बिलबिला उठे ये जारहाना कस्म की मनफी मोहब्बत जो महज एक खेल की सूरत में शुरू होती है आम तौर पर इसमत के अफसानों में एक नहायत रहम अंगेज सूरत में अंजाम पजीर होती है इसमत का अपना अंजाम भी अगर कुछ इसी तौर पर हुआ और मैं उसे देखने के लिए जिंदा रहा तो मुझे कोई ताजुब न होगा इसमत से मिलते जुलते मुझे पाँच छः बरस हो गए हैं दोनों की आतशीर और से उड़ जाने वाली तबीयत के पेश नज़र एतमाल तो इसी बात का था कि सैकड़ों लड़ाइयाँ होती मगर ताज्जुब है कि इस दौरान में सिर्फ एक बात चक हुई और वो भी हल्की सी शाहिद और औरत के मदू करने पर मैं और मेरी बीवी सफिया दोनों मलाट बम्बई के मुजाफ़ाक में एक जगह जहाँ शाहिद बम्बई टॉकीस की मुलाजमत के दौरान में मुकम था था वहाँ गए हुए थे रात का खाना खाने के बाद बातों बातों में शाहिद ने कहा मंटू तुमसे अब भी जबान की गलतियाँ हो जाती हैं डेढ़ बजे तक मैंने तस्लीम न किया कि मेरी तहरीर में जबान की गलतियाँ होती हैं शाहिद थक गया दो बजे तक इसमत ने अपने शौहर की पैरवी की मैं फिर भी न माना दफ़ अतन कोई बात कहते हुए इस्मत ने लफ्स दस्त दराजी इस्तेमाल किया मैंने झट से कहा सही लफ्स दराज दस्ती है तीन बज गए इसमत ने अपनी गलती तस्लीम न की मेरी बीवी सो गई शायद खत्म करने के लिए दूसरे कमरे से लगत उठा लाया दाल की तख्ती में लफ्ज़ दस्त दराजी मौजूद ही नहीं था अलबत् दराज दस्ती और उसके मानी दर्ज थे शायद ने कहा इसमत अब तुम्हें मानना पड़ेगा अब मियाँ बीवी में चिक शुरू हो गई मुर्ग अजाने देने लगा इसमत ने लुत उठाकर एक तरफ फेंकी और कहा जब मैं लगत बनाऊंगी तो उसमें सही लफ्ज़ दस्त दराजी होगा ये क्या हुआ दराज दस्ती दराज दस्ती हाँ। कच बहसी का ये सिलसिला दराज बहरहाल ख़त्म हुआ उसके बाद हम एक दूसरे से कभी नहीं लड़े बल्कि यूं कहिए कि हमने इसका कभी मौका ही नहीं आने दिया गुफ्तगु करते करते जब भी कोई ख़तरनाक मोड़ आया तो इसमत ने रुख बदल लिया या मैं रास्ता काट के एक तरफ हो गया इस को मैं पसंद करता हूं और वो मुझे पसंद करती है लेकिन अगर कोई दफतन पूछ बैठे तुम दोनों एक दूसरे की क्या चीज पसंद करते हो तो मेरा ख्याल है कि मैं और इसमत दोनों कुछ अरसे के लिए बिल्कुल खाली जहन हो जाए इसमत की शक्ल सूरत दिल फरेब नहीं लेकिन दिल नशीन जरूर है उससे पहली मुलाकात के नक्श अभी तक मेरे दिलो दिमाग में महफूज है बहुत ही सादा लिबास में थी छोटी कनी की सफेद धोती सफेद जमीन का काली खड़ी लकीरों वाला चुस्त ब्लाउज हाथ में छोटा सा पर्स पांव में बगैर एढ़ी का ब्राउन चप्पल छोटी छोटी मगर तेज और मुतजस आंखों पर मोटे मोटे शीशों वाली एनक छोटे मगर घुघरिया बाल टेढ़ी मांग जरा सा मुस्कुराने पर भी गालों में गड्ढे पड़ जाते थे मैं इस मत पर आशिक ना हुआ लेकिन मेरी बीवी उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई इस से अगर सफ़िया उसका जिक्र करे तो वो ज़रूर कुछ यूं कहेगी बड़ी आई हो मेरी मोहब्बत में गिरफ़्तार होने वाली तुम्हारी उम्र की लड़कियों के बाप तक कैद होते रहते हैं मेरी मोहब्बत में एक बुज़ुर्गवार अहल कलम को तो मैं भी जानता हूं जो बहुत देर तक इसमत के प्रेम पर जारी रहे ख़त किताबत के ज़रिए से आपने इश्क फरमाना शुरू किया इसमत शह देती रही लेकिन आखिर में ऐसा अड़ंगा दिया कि सुरैया ही दिखाई दी गरीब को ये सच्ची कहानी मेरा ख्याल है वो कभी कलम बंद नहीं करेंगे बाहम मुतसादम होने के खौफ से मेरे और इसमत के दरमियान बहुत ही कम बातें होती थी मेरा अफसाना कभी शायद हो तो पढ़कर दाद दे दिया करती थी नीलम की इशायत पर उसने गैर मामूली जोशो खरोश से अपनी पसंदीदगी का इजहार किया वाकई ये बहन बनाना क्या है आपने बिल्कुल ठीक कहा है किसी औरत को बहन कहना उसकी तोहिन है और मैं सोचता रह गया वो मुझे मंटो भाई कहती है और मैं उसे इस्मत बहन कहता हूं <laughs> दोनों को खुदा समझे हमारी पांच छह बरस की दोस्ती के जमाने का ऐसा कोई वाकया नहीं जो काबिल हो फोहाशी के इल्जाम में एक बार हम दोनों गिरफ्तार हुए मुझे तो पहले दो दफा तजुर्बा हो चुका था लेकिन इसमत का पहला मौका था इसलिए बहुत ही भिन्न आई इतफाक से गिरफ्तारी गैर कानूनी निकली क्योंकि पंजाब पुलिस ने हमें बगैर वारंट पकड़ लिया था इसमें बहुत खुश हुई लेकिन बकरी की माँ कब तक खैर मनाती आखिर उसे लाहौर की अदालत में हाजिर होने ही पड़ा बंबई से लाहौर तक काफी लंबा सफर है लेकिन शाहिद और मेरी बीवी साथ थे सारा वक्त खूब हंगामा रहा सफिया और शाहिद एक तरफ हो गए और चढ़ाने की खातिर हम दोनों की फौज निगारी पर हमले करते रहे कैद की सऊबतों का नक्शा खींचा जेल की जिंदगी की झलकियां दिखाई इसमत ने आखिर में झल्लाकर कहा सूली पर भी चढ़ा दें लेकिन यहां हलक से अनल हक ही निकलेगा इस मुकदमे के सिलसिले में हम दो दफा लाहौर हो गए दोनों मरतबा कॉलेजों के तमाशाई तालब मुझे और इसमत को देखने के लिए टोलियां बांध बांध कर अदालत में आते रहे इसमत ने मुझसे कहा मंटू भाई चौधरी नज़ीर से कहिए कि टिकट लगा दे कि यहाँ आने जाने का किराया ही निकल आएगा हम दो दफा लाहौर गए और दो ही दफे हम दोनों ने करनाल शॉप से मुख्तलिफ डिज़ाइनों के दस दस बारह बारह जोड़े सैंडलों और जूतियों के खरीदे बंबई में किसी ने इस्मत से पूछा लाहौर आप क्या मुकदमे के सिलसिले में गए थे इसमत ने जवाब दिया जी नहीं जूते खरीदने गए थे गालिबा साढ़े तीन बरस पहले की बात है होली का त्यौहार था मलाड में शाहिद और मैं बालकनी में बैठे पी रहे थे इस मेरी बीवी को उकसा रही थी सफिया ये लोग इतने रुपए उड़ाएं हम क्यों ना इस ऐश में शरीक हों दोनों एक घंटे तक दिल कड़ा करती रहीं इतने में एकदम हुल्लड़ समझा और फिल्मिस्तान से प्रोड्यूसर मुखर्जी उनकी भारी भरकम बीवी और दूसरे लोग हम पर हमलावर हो गए चंद मिनटों में ही हम सबका हुलिया नाकबले शनाख्त था इसमत की तवज्जो विस्की से हटी और रंग पर मरकूज हो गई आओ सफिया हम भी इनके रंग लगाए हम सब बाजार में निकल आए चुनाचे घोड़ बंदर रोड पर बाकायदा होली शुरू हो गई नीले पीले सब्ज और काले रंगों का छिड़काव से शुरू हो गया इसमत पेश पेश थी एक मोटी मंगालन के चेहरे पर तो उसने तारकोल का लेप कर दिया उस वक्त मुझे उसके भाई अजीम बेग चुखताई का ख्याल आया एकदम इसमत ने जर्नेलों के से अंदाज में कहा आओ परिचहरा के घर पर धावा बोले उन दिनों नसीम बानो हमारे फिल्म चल चल नौजवान में काम कर रही थी उसका बंगला पास ही घोड़ बंदर रोड पर था इसमत की तजवीज सबको पसंद आई चुनानचे चंद ही मिनटों में हम सब बंगले के अंदर थे नसीम हसब आदत पूरे मेकअप में थी और नहायत नफीस रेशमी जॉर्जट की साड़ी में मलबूस थी वो और उसका खाविन एहसान हमारा शोर सुनकर बाहर निकले इसमत ने जो रंगों में लिथड़ी हुई भुतनी सी लगती थी मेरी बीवी से जिस पर मज़ीद रंग लगाने से मेरा ख्याल है कोई फर्क न पड़ता नसीम की तारीफ करते हुए कहा सफिया नसीम वाकई हसीन औरत है मैंने नसीम की तरफ देखा और कहा हुस्न है लेकिन बहुत ही ठंडा एनक के रंग आलूद शीशों के पीछे इसमत की छोटी छोटी आंखें घूमी और उसने आहिस्त से कहा सफरावी तबीयतों के लिए ठंडी चीज़ें मुफीद होती हैं कहकर वो आगे बढ़ी और एक सेकंड के बाद परी चेहरा नसीम सर्कस का मस्खरा बनी थी इसमत और मैं बाज अजीब, अजीब अजीब बातें सोचा करते हैं मंटो भाई जी चाहता है अब मुर्ख और मुर्गियों के रोमांस के मुतालिक कुछ लिखूं। या मैं तो फौज में भर्ती हो जाऊंगी और हवाई जहाज उड़ाना सीखूंगी चंद महीनों की बात है मैं और इसमत बम्बई टॉकी से वापस इलेक्ट्रिक ट्रेन में घर जा रहे थे मैंने बातों बातों में उससे कहा कृष्णचंद्र के अफसानों में दो चीजें मैंने आम देखी हैं जिना बिलजब्र और कौस कजाह जिसे वो कौसो कजाह लिखता है इस मत ने दिलचस्पी लेते हुए कहा ये तो है सोचता हूं एक मजमून लिखू जिसका उन्मान कृष्णचंद्र कौस कजाह और जिना बिलजब्र हो मैं साथ ही साथ सोच रहा था लेकिन जिना बिलजब से कौसे कजाह का नफसियाती रिश्ता क्या हो सकता है इस इसमत कुछ देर गौर करने के बाद कहा जमालियाती नुकते नजर से कौसे कजाह के रंगों में इंतहाई जाज्बियत और कशिश लेकिन मंडू भाई आप तो किसी और जाविये से सोच रहे थे हम्म जी हाँ सुर्ख रंग आग और खून का रंग है सनमियात में इस रंग को मरीख यानी जल्लाद फलक से मंसूब किया जाता है हो सकता है कि ज़िना बिलजब से कौसे कजा के सिर्फ उसी रंग का दामन बदा हो हो सकता है आप यह मजमू जरूर लिखिए लेकिन ईसाइयों के फने मुसवरी में सुर्ख रंग इश्क इलाही का मजहर है नहीं नहीं मेरे दिमाग में दफतन एक खलिया फूटा। सलीब पर चढ़ने के शदीद जज्बे को भी इसी रंग से मनवन किया गया है और कुंवारी मरियम का लिबास सुर्ख होता है यह इसमत की निशानी है ये कहते कहते मैंने अचानक इसमत के सफेद लिबास की तरफ देखा मुस्कुरा दी मंटो भाई आप ये मजमून जरूर लिखिए मजा आ जाएगा लेकिन उन्वान में से बिलजब्र उड़ा दीजिए कृष्ण को ऐतराज़ होगा क्योंकि वो जबरिया फेल समझ ही तो रोता है बेकार रोता है क्या मालूम कि ये जुल्म ही उसकी मजलूम हिरोनों को अच्छा लगता हो अल्लाह बेहतर जानता है इसमत की अफसाना निगारी पर काफ़ी मजमून लिखे गए हैं हक में कम खिलाफ ज्यादा कुछ तो बिल्कुल मजजूब की बढ़े चंद ऐसे हैं जिनमें जमीन आसमान के कलाबे में लगे गए हैं पत्रा साहब ने भी जिनको लाहौर के अदबी ठेकेदारों ने डबिया में बंद कर रखा था अपना हाथ बाहर निकाला और कलम पकड़ कर इसमत पर एक मजमून लिख दिया आदमी जहीन है तबीयत में शौखी और मिजा है इसलिए मज़मून काफ़ी दिलचस्प और सुलझा हुआ है आप औरत के लेबल का जिक्र करते हुए लिखते हैं एक मुखदर पुख्ताकार दिबाचा नवीस आपकी मुराद सलाउद्दीन साहब से उसने भी मालूम होता है इन शब पर्दाजों के रेवड़ में नर और मादा अलग अलग कर रखे हैं इस मत के मुताल फरमाते हैं कि जिन्स के एतबार से उर्दू में कमो बेश उन्हें भी वही रुतबा हासिल है जो एक जमाने में अंग्रेजी अदब में जॉर्ज एलियट को नसीब हुआ वो अदब कोई टेनिस टूर्नामेंट है जिसमें औरतों और मर्दों के मैच अलहदा होते हैं जॉर्ज एलियट का रुतबा मुसलम लेकिन यूं उसका नाम ले देने से क्या तुक अब ये अम्र एक अलहदा बहस का मोहताज है कि क्या कोई माबल इम्तियाज ऐसा है जो खारिजी और हंगामी और इतफाक़ी नहीं बल्कि दाखिली और जबली और बुनियादी जो इंशा पर्दाज औरतों के अदब को इंशा परदाज मर्दों के अदब से मैस करता है और अगर है तो वह क्या है इन सवालों का जवाब कुछ हो बहरहाल इस नो का हरगिज नहीं कि इसकी बुनियाद पर मुसनफिन को जिन्स के अतबार से अलग अलग दो कतारों में खड़ा कर दिया जाए इन सवालों का जवाब बहुत मुमकिन है ऐसा ना हो जिसकी बुनियाद पर मुसनफिन को जिन्स के अतबार से दो कतारों में खड़ा कर दिया जाए लेकिन जवाब देते वक्त लोग ये जरूर सोचेंगे कि सवाल करने वाला कौन है मर्द या औरत क्योंकि सिर्फ मालूम होने पर सवाल करने वाले का जुबली और बुनियादी जावय नगाह बहुत हद तक वाज हो जाएगा पत्रा साहब का यह कहना कि गोया अदब भी कोई टेनिस टूर्नामेंट है जिसमें औरतों और मर्दों के मैच अलहदा होते हैं ठेठ पत्र फिक्रेबाजी है टेनिस टूर्नामेंट अदब नहीं लेकिन औरतों और मर्दों के मैच अलहदा होना बेअदबी भी नहीं पत्रा साहब क्लास में लेक्चर देते हैं तो तलबा व तालिबात से उनका खिताब जुदा गाना नहीं होता लेकिन जब उन्हें किसी शागिर्द लड़के या शागिर्द लड़की के दिमागी नशोनम पर गौर करना पड़ेगा तो माहिर तालीम होने की हैसियत में वो उनकी जिन्स से गाफिल नहीं हो जाएगी औरत अगर जॉर्ज एलियट या इसमत चुगताई बन जाए तो इसका ये मतलब नहीं कि उसके अदब पर उसकी औरत होने के असर की तरफ गौर न किया जाए हीजड़े के अदब के मुतालिक भी क्या पत्रा साहब यही इस्तफसार फरमाएंगे कि क्या कोई मबलम्तियाज़ ऐसा है दाखिली और जबली और बुनियादी जो इंशापर्दाज हिजड़ों के अदब को इंशापर्दाज मर्दों और औरतों के अदब से मुमयस करता है मैं औरत पर औरत और मर्द पर मर्द के नाम का लेबल लगाना भोंडेपन की दलील समझता हूँ मस्जिदों और मंदिरों पर यह बोर्ड लगाना कि इबादत और बंदगी की जगह हैं बहुत ही का खेज़ है लेकिन जब किसी मस्जिद और मंदिर के मुकाबले में किसी आम रिहायश गाह को रख कर हम फन तमीर का जायज़ा लेंगे तो इस पर मंदिर और मस्जिद की तकदीस का असर अपने जहन से महब नहीं कर देंगे इस मत के औरत होने का असर उसके अदब के हर हर नुकते में मौजूद है जो उसको समझने में हर हर कदम पर हमारी रहबरी करता है उसके अदब की खूबियों और कमियों से जिनको अपने मजमून में गैर जानबदारी से बयान किया है हम मुसन को जिन्स से अलहदा नहीं कर सकते और न ऐसा करने के लिए कोई तनकी अदबी या कीमियाई तरीका ही मौजूद है अजीज अहमद साहब नया दौर में इसमत की टेढ़ी लकीर पर तनकीद करते हुए लिखते हैं जिस्म के एहतसाब का इसमत के पास एक ही जरिया है और वो है मसास चुनानचे रशीद से लेकर टेलर तक बीसों मर्द जो इस नावल में आते हैं सबका अंदाजा जिसमानी या जहनी मसाज से किया गया है ज्यादातर मसाज की कैफियत इनफ्याली होती है मसासी इसमत के यहाँ एहतसाब मर्द एहतसाब इंसान एहतसाब जिंदगी एहतसाबी कायनत का वाद जरिया है रजाइयों के बादलों में अब्बास के हाथ बिजली की तरह कोनते हैं और लड़कियों के ग्रोह में नन्नी लर्जिशें मचल मचल कर बिखर जाती हैं रसूल फातमा के चूहे जैसे हाथ मसाज का तारीख रुख है नीम तारीख रुख मेटरन का वो मनाजरा या मुआशका है जिसमें मेटरन को ताजुब था कि जहन में लड़कियां उन गुंडों की आंखें अपनी रानों पर रेंगती हुई महसूस नहीं करती मसाज के सिलसिले में समन का निस्वानी एहसास पत्र साहब मुतवज हों रान की उंगलियों की सरसराहट महसूस करता है अलख ज़ीज़ अहमद साहब का ये नज़रिया गलत है कि इस के यहाँ एहतसाब का ज़रिया एक फ़कत मसास ही है अवल तो मसास कहना ही ग़लत है इसलिए कि ये एक ऐसा अमल या फेल है जो कुछ देर जारी रहता है इस तो गायर दर्जे की जकस है हल्का सा लम्स ही उसके लिए काफ़ी है इस के यहाँ आपको दूसरी जिसमानी हिस्से भी महव अम्ल नज़र आती हैं मिसाल के तौर पर सूँघने और सुनने की हिस्स सौत का तो जहां तक मैं समझता हूं इसमत मत के अदब से बहुत ही गहरा ताल्लुक है घर घर फटशों फश बाहर बरामदे में मोटर भिन्ना रही थी रेडियो को मरोड़ते रहे खड़खड़ खड़ शटर शटर शाटा घर घर मेरे आंसू निकल आए टनन टनन साइकिल की घंटी बजी मैं समझ गई एडना आ गई पंक्चर और जो जरा ऊँगने की कोशिश की तो धमाधम ठट्ठों की आवाज़ छत पर आई और धमधम छन छन करती सीढ़ियों पर से उतरी गुनगुन गुनगुन गुन गुन बहु मिन मिन आई मक्खी तनन तनन करके रह गई सास बच्चा कूकू करके चपड़ चपड़ मुंह मारने लगता सफर में बिल्ली की तरह सपड़ सपट रकाबी चाटने जैसी आवाजें आने लगी लिहाफ टिक 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 घड़ी की तरह उसका दिल हिलने लगा मोटे मोटे कहके लगाते हुए मच्छर दिल एक पुरसरार कब्रस्तानी सिस की हवा में लरसती है झिरी में से घुंगुओं की झंकार और तालियों की आवाजें एक बारगी मेरे जिस्म में रेंग कर हजारों नब्जों की तरह फड़फड़ाने लगी पेशा इसी तरह सूंघने की हिस्स भी जगह जगह मसरूफ अमल है और बू तो देखो हुक्के की सड़ांत है तोबा तोबा थू कवाम की बू ऐसी बच गई थी कि उसे नींद न आई डायन सरसों का तेल आठवें दिन ही खट्टी खट्टी बू देने लगता है और जिस्म से अजीब घबराने वाली बू के शरारे निकलते थे गर्म गर्म खुशबुओं के इत्र ने और भी उन्हें अंगारा बना दिया मैंने नथने फुलाकर सूं हवा को सूंघा सिवाय इत्र संदल और हिना की गर्म गर्म खुशबू के और कुछ महसूस ना हुआ लिहाफ सर्द आहों और भीनी खुशबू तक को रंग में समोकर रख दिया था तिल पसीने से गल चुके थे और उनमें मरघट जैसी चराद आने लगी थी जाल मर्दाना कमीज़ सिगरेट की में गर्क मलगजीसी नीचे क्यारियों में से धनिये की नन्ही-नन्ही पत्तियां तोड़कर सूंघने लगी मेरा बच्चा इसमत की सब हिस्से वक्त पढ़ने पर अपनी अपनी जगह काम करती हैं और ठीक तौर से करती हैं अजीज अहमद साहब का ये कहना है कि जिन्स एक मर्ज की तरह इसमत के आसाब पर छाई हुई है मुमकिन है उनकी तशीस के मुताबिक दुरुस्त हो मगर वो इस मर्ज के लिए नुस्खे तजवीज़ न फरमाएं यूं तो लिखना भी एक मर्ज है कामिल तौर पर सेहतमंद आदमी जिसका दर्ज हरारत हमेशा साढ़े अट्ठानवे ही रहे सारी उम्र अपनी ज़िंदगी की ठंडी स्लेट हाथ में लिए बैठा रहेगा अजीज़ अहमद साहब लिखते हैं इसमत की हीरोइन की सबसे बड़ी ट्रैजडी यह है कि दिल से ना उसे किसी मर्द ने चाह और ना उसने किसी मर्द को इश्क एक ऐसी चीज़ है जिसका जिसम से वही ताल्लुक है जो बिजली का तार से लेकिन खटका दबा दो तो यही इश्क हजारों कंदीलों के बराबर रोशनी करता है दोपहर की लू में पंखा है हजारों देवों की ताकत से जिंदगी के मशीनों के अजीम शान मशीनों पहिए घुमाता है और कभी कभी जुल्फों को संवारता और कपड़ों पर करता है ऐसे इश्क से इसमत चुकताई बहसी मुसनफा वाकफ नहीं जाहिर है कि अजीज अहमद साहब को इसका अफसोस है मगर यह इश्क जिससे अजीज अहमद साहब वाकफ मालूम होते हैं ऐसा लगता है कि उन्होंने पंच साल स्कीमों के मातहत तैयार किया है और अब वो उसे हर इंसान पर आयद कर देना चाहते हैं अजीज अहमद साहब को खुश करने के लिए मैं फर्ज कर लेता हूं कि इसमत की हिरोइन इश्क के एसी और डीसी दोनों करंटों से वाकिफ थी लेकिन फिर ये ट्रेजडी कैसी वकूफ़ पसीर होती है कि दिल से ना उसे किसी मर्द ने चाह और ना उसने किसी मर्द को इस्मत वाक़ अज़ीज़ अहमद साहब के तस्नीफ़ करदा इश्क से नाशना है और उसकी ये नाशनाई ही, ही उसके अदब का बाइस है अगर आज उसकी ज़िंदगी के तारों के साथ उस इश्क़ की बिजली जोड़ दी जाए और खटका दबा दिया जाए तो बहुत मुमकिन है एक और अज़ीज़ अहमद पैदा हो जाए लेकिन तिल गेंदा भूल भुलैया और जाल तस्नीफ़ करने वाली इस्मत यकीन मर जाएगी इस्मत के ड्रामे कमज़ोर हैं जगह जगह उनमें झोल है, उन है। इसमत प्लाट को मनाजिर में तकसीम करती है तो नाप पर कैंची से नहीं कतरती यूँ ही दाँतों से चीर फाड़ कर चीतड़ बना डालती है पार्टियों की दुनिया इसमत की दुनिया नहीं इसमें वो बिल्कुल अजनबी रहती है जिन्स इसमत के आसाब पर एक मर्ज की तरह सवार है इसमत का बचपन बड़ा गैर सेहत बख्श रहा है पर्दे को उस पार की तफसीत बयान करने में इसमत को जद तूला हासिल है इसमत को समाज से नहीं शख्सियतों से शवफ है शख्सियतों से नहीं अशखास से है इसमत के पास जिस्म के एहतसाब का एक ही जरिया है और वो है मसास इसमत के अफसानों की कोई समथी नहीं है इसमत की गैर मामूली कवत मुशाह हैरत में गर्क कर देती है मत फौश नगार है हल्का हल्का तंज और मिजा इसमत के स्टाइल की मुमताज़ खूबियां हैं इसमत तलवार की धार पर चलती है इस मत पर बहुत कुछ कहा गया है और कहा जाता रहेगा कोई उसे पसंद करेगा कोई नापसंद लेकिन लोगों की पसंदीदगी की और नापसंदीदगी से ज़्यादा अहम चीज़ इस मत की तख्लीकवत है बुरी भली उरियां मस्तूर जैसी भी है कायम रहनी चाहिए अदब का कोई जोग्राफिया नहीं उसे नक्शों और खाकों की कैद से जहां तक मुमकिन हो बचाना चाहिए अरसा हुआ दिल्ली के एक ज़ाति शरीफ दरवेश ने अजीब व गरीब हरकत की आपने औरों की कहानी सुन मेरी जबानी इसके पढ़ने से बहुतों का भला होगा इस उन्मान से शाइ की इसमें मेरा इसमत मुफ्ती प्रेमचंद ख्वाजा मोहम्मद शफी और अजीम बेग चुगताई का एक एक अफसाना शामिल था डीबाचे में तरक्की पसंद अदब पर एक तनकीदी चोट मारू घुटना फूटे आँख के बमश्ताक फरमाई गई थी और इस कारनामे को अपने दो नन्हने नन्हने बच्चों के नाम से मन बंद किया गया था उसकी कॉपी आपने इस्मत और मुझे रवाना की इस्मत को दरवेश की नाशास्ता भोंडी हरकत सख्त ना पसंद आई चुनांच बहुत ही कर मुझे एक खत लिखा मंटू भाई आपने वो किताब जो दरवेश ने छापी है देखी जरा उसे फटकारिए और एक नोटिस दीजिए निजी तौर पर कि हर मजमून का जुर्माना 200 रुपए दो वरना दावा ठोक देंगे कुछ होना चाहिए आप बताइए क्या किया जाए ये खूब है कि जिसका दिल चाहता है उठाकर हमें कीचड़ में लथेर देता है और हम कुछ नहीं कहते जरा मजा रहेगा इस शख्स को खूब रगड़िए डांटिए को उल्टा अलम बर्दार क्यों बन रहा है अदब का इसने हमारे अफसाने सिर्फ किताब फरोख्त करने के लिए छापे हैं हमारी हतक है कि हर ऐरे गैरे नथु खैरे कम अकलों की डांटें सुनना पड़े जो कुछ मैंने लिखा है उसको सामने रखकर एक मजमून लिखिए आप कहेंगे मैं क्यों नहीं लिखती तो जवाब है कि आप पहले हैं जब इसमत से मुलाकात हुई तो उस खत का जवाब देते हुए मैंने कहा सबसे पहले लाहौर के चौधरी मोहम्मद हुसैन साहब हैं उनसे हम दरख्वास्त करें तो वो ज़रूर मिस्टर दरवेश पर मुकदमा चलवा देंगे इसमत मुस्कुराई तजवीज़ तो ठीक है लेकिन मुसीबत यह है कि हम भी साथ धर लिए जाएंगे मैंने कहा क्या हुआ अदालत खुश जगह सही लेकिन करनाल चौक तो काफ़ी दिलचस्प जगह है <laughs> मिस्टर दरवेश को वहां ले जाएंगे और इसमत के की गालों की गड्ढे गहरे हो गए